हेलो एवरीवन वीडियो देखिया पर हम यूट्यूब चैनल उत्कल आईक्यू को सब्सक्राइब कर दियंतु घंटे बटन दबाई ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु। आज मु आपन मान को अष्टम श्रेणी सरल गणित ज्यामिति बही रो परिमिति विषय बा मेंसुरेशन रो अनुशीलनी 5D पढ़ेबी। 5D रो 6 7 8 9 10 नंबर एटा मोर पार्ट 2 वीडियो रे अछि। पार्ट 1 वीडियो रे 1 रु 5 नंबर पर्यंत रहिछि। पार्ट 3 वीडियो रे 11 रु 15 नंबर पर्यंत रहिछि। तार लिंक ए वीडियो डिस्क्रिप्शन ले जाइछि। जदि किछ भी डाउट हो मते कमेंट सेक्शन रे पचारंतु। बर्तमान आम जी 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन से हम कौन देची त्रिभुज एबीसी रे एडी ओ बीई यथाक्रमे बीसी ओ सीए प्रति लंब। बीसी 30 सेंटीमीटर सीए 35 सेंटीमीटर एडी 25 सेंटीमीटर हेले बीई रो दैर्घ्य निर्णय कर। ताने कौन करवा एबीसी त्रिभुज रो भूमि बीसी इक्वल टू से हमको केते देची 30 सेंटीमीटर। ताने उच्चता हमको देला केते एडी इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। प्रथमे कौन करवा यार क्षेत्रफल काढि देबा। त्रिभुज एबीसी रो क्षेत्रफल कोन हो हाफ इनटू बीसी इनटू एडी समान हाफ इनटू 30 इनटू 25 वर्ग सेंटीमीटर। तापर नेक्स्ट कोन दिजी सीए सीए इक्वल टू 25। प्रथमे हम एपटे नै कि बीसी को भूमि नै क्षेत्रफल काढले। वर्तमान सीए को भूमि नै क्षेत्रफल काढिबा। सीए को भूमि नैले सीए केते एठी हमर 35 सेंटीमीटर। तार उच्चता की हबो बीई त उच्चता बीई त एबीसी त्रिभुज क्षेत्रफल कोन हो ताने हाफ इनटू एसी इनटू बीई। किंतु प्रश्न अनुसार कोन आमे जानिछु कोन त्रिभुजर क्षेत्रफल समान जोटा को भूमि नेले भी क्षेत्रफल समान आसो। तेणु हाफ इंटू एसी इक्वल टू एसी इंटू बी समान के हाफ इंटू 35 इंटू बी आम कौन ना इक्वेशन टू एटा को ना कौन इक्वेशन वन। बर्तमान इक्वेशन वन टू को लेकिन बर्तमान समाधान करवा बी रैल्यू काढ़ तेणु इक्वेशन वन और टू पाइबा हाफ इंटू 30 इंटू 25 समान हाफ इंटू 35 इंटू बी। तेणु बी समान के 375 इंटू 2/35 कारण बर्तमान देखु एपटे मल्टीप्लाई कला को आम के पाइल 375 एपटे से इंटू 2 होगा बै 35 सामान के 150/7 सामान के 21.37 सेंटीमीटर। अतः बी रैर्घ्य हो 21.37 सेंटीमीटर। नेक्स्ट जीवा आम 7 नंबर क्वेश्चन। जदि किसी भिडे डाउट हो जाए मत कमेंट सेक्शन में पचारंतु। दुई गोटी त्रिभुज मध्य गोटिकर भूमि दैर्घ्य उच्चता यथाक्रमे अंटर भूमि दैर्घ्य उच्चतार दुई गुण वो तीन गुण है त्रिभुज द्वय क्षेत्रफल निम्न अनुपात निर्णय कर। त्रिभुज द्वयर भूमि दैर्घ्य को एक्स 2x और उच्चता को वाई 3y नवा। तेना मन कर गोटे त्रिभुज भूमि दैर्घ्य एक्स एकक उच्चता के वाई एकक। दुईट त्रिभुज द्वितीय त्रिभुज मैंने गोटे त्रिभुज सी कौन दुईटा त्रिभुज कंपेयर देने गोटे आम एक्स ने कौन भूमि ने वाई ने कौन उच्चता ने बर्तमान कौन कर सेकेंड त्रिभुज जीटा नवा तार भूमि के 2x उच्चता के 3y तेना तार भूमि उच्चता के 2x 3y। तेना प्रथम त्रिभुज क्षेत्रफल सूत्र कौन हाफ इंटू भूमि गुणन उच्चता समान हाफ इंटू एक्स वाई बै द्वितीय त्रिभुज क्षेत्रफल कौन हाफ इंटू 2x इंटू 3y समान के हाफ हाफ ये कटिगला एक्स वाई बै 6 एक्स वाई कटिगला 1/6 अतएव से अनुपात के 1:6। नेक्स्ट जीवा 8 नंबर क्वेश्चन। गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर कर्णर दैर्घ्य 120 डेसीमीटर यार क्षेत्रफल निर्णय कर। ताने समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर कर्ण दैर्घ्य केते 120 डेसीमीटर यार बाहुर दैर्घ्य हम के कर्ण बै रूट 2 कारण समकोणी समद्विबाहु त्रिभुज कौन हुए दुईटा बाहु समान थाए तेणु कर्ण बै रूट 2 करदे आम कौन बाहु पाई तेणु 120 विभक्त रूट 2 समान के 60√2 डेसीमीटर बा 60√2 डेसीमीटर। तेना क्षेत्रफल कौन हम समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर हाफ इंटू समान बाहुर दैर्घ्यर स्क्वायर तेणु हाफ इंटू 60√2 रो स्क्वायर समान के हाफ इंटू 60√2 समान 3600 वर्ग डेसीमीटर। अतएव समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल 3600 वर्ग डेसीमीटर हम। बर्तमान आम जी 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन से हम कौन देखिए गोटे समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल 484 वर्ग मीटर है यार कर्णर दैर्घ्य निर्णय कर। ताने समकोणी समद्विबाहु त्रिभुजर क्षेत्रफल कौन हम हाफ गुणन समान बाहुर दैर्घ्य स्क्वायर। तो प्रश्न अनुसार हाफ गुणन समान बाहुर दैर्घ्य स्क्वायर समान क्षेत्रफल के 484 वर्ग मीटर। तेना समान बाहु कौन हम 484 गुणन 2 विभक्त 2 रूट ओवर तेना कौन हम 484 इंटू 2 हल रूट ओवर समान के 22√2 मीटर। आम कौन पाइल बर्तमान समान बाहुर दैर्घ्य तेने कर्ण दैर्घ्य कौन हम बाहुर दैर्घ्य गुणन रूट 2 समान के 22√2 आम बाहु पाई इंटू रूट 2 करदे के 44 मीटर। अतएव कर्णर दैर्घ्य हूँ 44 मीटर। नेक्स्ट जीवा आम यही पार्टर शेष क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर तीन टा बिट अच्छी आम करवा गोटे गोटे को करके जीवा।
ନିମ୍ନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁମାନଙ୍କ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯେତେ ଅଛି ଓ ପ୍ରତ୍ୟେକର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର। ମାନେ ସେ ତିନୋଟି ଆମକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ବାହୁ ଦେଇଛି, ଯାହା ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ସମବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ବା ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉ ନାହିଁ, ବିଷମ ବାହୁ ସବୁ ତ୍ରିଭୁଜ ହେଉଛି। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେମିତି କାଢ଼ିବା? ତାହେଲେ ଏଇ ସୂତ୍ରଟାକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଯଦି କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସୂତ୍ର ନ ମନେ ପଡ଼େ ଆପଣ ଏହି ସୂତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁ ତ୍ରୟକୁ ଦୈର୍ଘ୍ୟକୁ ଲେଖିବା ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 30 cm। ଆଇବିଟ୍ରେ ସେ ଆମକୁ ଦେଇଛି କେତେ 13 cm, 14 cm ଏବଂ 15 cm। ତେଣୁ ଏ ନେଲେ ଆମେ କେତେ 13 cm, ବି ନେଲେ କେତେ 14 cm ଏବଂ ସି ନେଲେ କେତେ 15 cm। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜର ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା ଏ ସମାନ କେତେ ହେବ? ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ 2। ତେଣୁ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ? 13 + 14 + 15 / 2 ସମାନ କେତେ 21 cm। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? ଏହି ସୂତ୍ରଟିକୁ ଖାତାରେ ଆପଣ ନୋଟ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି। ତେଣୁ କ'ଣ ହେବ? ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ 21 × 21 - 13 × 21 - 14 × 21 - 15 ସେମାନେ କେତେ ହେବ? ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ 21 - 21 - 13 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? ଇଣ୍ଟୁ 8 × 21 - 14 ଗଲେ କେତେ ରହିବ? 7 × 21 - 15 ଗଲେ କେତେ? 6। ସେମାନେ କେତେ ହେବ? 7 × 3 × 2 × 2 ସମାନ 84 বর্গ সেমিটার। ଅତେବ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି କେତେ? 84 বর্গ সেমিটার। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ସେକେଣ୍ଡ ବିଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନରେ ସେ ଆମକୁ ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କ'ଣ କ'ଣ ଦେଲା? 25 cm, 26 cm ଏବଂ 17 cm। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତର ଦୈର୍ଘ୍ୟ କେତେ ଦେଲା? ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 25 cm, ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 26 cm ଲେଖିବା, 6 = 17 cm ଲେଖିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା କାଢ଼ିବା, ତେଣୁ ପରିସୀମା ବିଭକ୍ତ 2। ପରିସୀମା ମାନେ କ'ଣ? ତିନିଟା ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଭକ୍ତ 2। ତେଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ 2। ତେଣୁ 25 + 26 + 17 / 2 ସମାନ 34 cm। ତାହେଲେ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି। ତେଣୁ ଏସ୍ ଆମେ କେତେ ପାଇଲୁ? ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା 34 ପାଇଛୁ। 34 × 1 କେତେ? ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ କେତେ? 34 - 25। ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି କେତେ ହେବ? 34 - 26 ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି କେତେ ହେବ? 34 - 17 ସେମାନେ କେତେ ହେବ? 34 × 9 × 8 × 17 ହୋଲ୍ ରୁଟ୍ ଓଭର୍। ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଆମେ ଆନ୍ସର ରୁଟ୍ ଓଭର୍ କାଲେ କେତେ ଆସିବ? 204 বর্গ সেমিটার। ଅତେବ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 204 বর্গ সেমিটার। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯିବା ଶେଷ ବିଟ୍, ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ ଉପରେ। ଥାର୍ଡ଼ ବିଟ୍ରେ ସେ କ'ଣ ଦେଇଛି? ବାହୁର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଦେଇଛି କେତେ? 39 m, 42 m ଏବଂ 45 m। ତାହେଲେ ଖାତାରେ ଲେଖିବା କ'ଣ? ତ୍ରିଭୁଜର ବାହୁତ୍ରୟ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ଏ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 39 m, ବି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 42 m, ସି ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 45 m। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅର୍ଦ୍ଧ ପରିସୀମା କାଢ଼ିବା। ଏସ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ପ୍ଲସ୍ ସି ବାଇ 2। ତେଣୁ ଏ କେତେ? 39 + b କେତେ? 42 + c କେତେ? 45 / 2 ସେମାନେ କେତେ ହେବ? 126 / 2 ସମାନ 63 m। ତେଣୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କ'ଣ ହେବ? ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ ଏସ୍ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି। ତେଣୁ କେତେ ହେବ ଆନ୍ସର? ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ 63 × s ପକାଇଲେ, ତେଣୁ ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ଏ ଜାଗାରେ କେତେ? 63 - 39। ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ବି ଜାଗାରେ 63 - 42 ଇଣ୍ଟୁ ସି ଏସ୍ ମାଇନସ୍ ସି ଜାଗାରେ କେତେ? 63 - 45। ସେମାନେ କ'ଣ ହେବ? ରୁଟ୍ ଓଭର୍ ଅଫ୍ 63 × 24 × 21 × 18 ସେମାନେ ଆନ୍ସର କେତେ ହେବ? 756 বর্গ মিটার। ଅତେବ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ହେଉଛି 756 বর্গ মিটার। ଆଉ 11-15 ଆମର ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟରେ ରହିଛି। ଯଦି କିଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଥାଏ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ପଚାରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଚ୍ୟାନେଲ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ଦବାଇ ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଅନ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।